नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 उत्तर प्रदेश। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की एक विशेष खबर की ओर। अब होगा डीजल और पेट्रोल को बाय बाय, जल्द उतर रही है जमीन पर हवा से चलने वाली बाइक, प्रोफेसर महानिदेशक डॉक्टर भरतराज। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां एयर ओ बाइक, हवा से चलने वाली बाइक तकनीक का आविष्कार कर दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज SMS लखनऊ के तकनीकी महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर भरतराज ने आज बाराबंकी के पत्रकारों को अपनी तकनीकी की विस्तृत जानकारी प्रदान की। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वह तकनीकी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी चिंतनशील रहते हैं, इसलिए डीजल और पेट्रोल के विकल्प के तौर पर हवा से चलने वाली बाइक बनाने की संकल्पना उनके मन में आई और उस पर उन्होंने सन 2008 से काम शुरू किया था। इस तकनीकी का उन्हें भारत सरकार से पेमेंट भी मिल चुका है। डॉक्टर सिंह का कहना है कि टायर में भरने वाली हवा से उनकी बाइक सड़कों पर दौड़ती है, 5 रुपए की हवा से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एयर टैंक बेहतर होने पर अधिक हवा टैंक में आ जाएगी तो और अधिक दूरी तय होगी, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है इसमें। डॉक्टर सिंह ने बताया कि उनके इस आविष्कार की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सराहना कर चुके हैं। उनका प्रयास यह है कि जल्द ही उनकी बाइक बाजार में उपलब्ध हो सके, जिससे लोगों को उसका लाभ उठा सके। तथा श्री सिंह का कहना है कि यह बाइक बाजार में बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि अभी इस बाइक में कुछ वर्क बाकी रह गया है जिसको बहुत जल्द ही पूरा कर बाजार में उतार दिया जाएगा। इस बाइक की सराहना करने के लिए अमेरिका, जापान तथा अन्य कई देशों के लोगों ने इस बाइक की सराहना की है तथा श्री सिंह के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की जमकर सराहना भी हुई एवं मौके पर पहुंचे पत्रकारों को श्री सिंह के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसे में अगर यह बाइक बहुत जल्द तैयार हो रही है तो डीजल पेट्रोल से होगी टाटा बाय बाय, क्योंकि श्री सिंह का कहना है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो 100 रुपए से 150 रुपए के खर्च में आप इस बाइक से दिल्ली तक की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक में ना तो डीजल ना ही पेट्रोल का खर्चा है। तथा श्री सिंह के द्वारा भी यह बताया गया है कि उनके द्वारा आने वाली उत्तराखंड में आपदा को भी पहले से बता दिया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक परमिशन होता रहा और इन्वेंशन को एक तरीके से अमेरिकन और उसके बाद से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बच्चों ने एक मॉडल तैयार किया है, यहाँ की इस स्थिति में मॉडल तैयार है। जनपद बाराबंकी से सुधीर शर्मा की खास रिपोर्ट। मिलते हैं इसी तरह की अन्य ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज 8 उत्तर प्रदेश। ने इसी लैब में इसको रखा, सी वी रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन 2011 में हमने इसको स्थापित किया था। उसके बाद हम लोगों ने इसको 2013 में प्रणब मुखर्जी जी 10 मई को आए थे तो उनके सामने रखा गया, और उसके बाद फिर अभी रामनाथ कोविंद जी आए थे 15 दिसंबर 2017 में तो इसको देखे थे। ये तो बड़ी हमारे इंडिया की हस्तियाँ हैं, बाकी तो सारे जगह प्रदर्शित हुआ है, चाहे MNIT कोई भी ऐसे सरकारी संस्था या इंजीनियरिंग कॉलेज, सब जगह प्रदर्शित हुआ। तो इसको मॉडिफाई करके लॉन्च करने के लिए किसी कंपनी से या किसी? हाँ, ये इसकी एक्चुअली इसको टेक्नोलॉजी को हम लोग जब तक पेटेंट ना हो जाए तो इसको कहीं आप ज़्यादा पब्लिशाइज नहीं कर सकते, तो पेटेंट हम लोगों ने 8 अगस्त 2010 में ही फाइल कर दिया था, जो 31 जुलाई 2020 और हमें 5 अगस्त 2020 जिस दिन भूमि पूजन था कहाँ अयोध्या का, उसी दिन 2 बजे मिला पेटेंट भारत सरकार से 10 साल बाद। तो इस पर कार्रवाई चल रही है गुजरात में, इसमें धनजी भाई पटेल एक्शन कंपनी है, उसको दे रखा है, उस पर काम चल रहा है। तो सर इसमें फ्यूल कितने में भराया जा सकता है, कितने किलोमीटर? 5 रुपए में आप इसमें ट्विन टैंक लगा दीजिए, अभी तो CNG के टैंक लगे हुए हैं लेकिन इसके लिए हल्के टैंक चाहिए, 5-5 kg के, दो अगर लग जाएंगे तो एक बार टैंक भर दिया 30 से 35 किलोमीटर चलेगा। अभी इसमें गियर भी नहीं लगा है, एक्सेलेटर प्रॉपर नहीं, तब भी चल रही है आदमी को लेके, तो इसलिए ये सक्सेसफुल है। इस पर लोड टेस्ट किया जा चुका है, रन भी करती है, यहाँ विद इन कंपाउंड 2-4 किलोमीटर हम लोग रोज चलाते रहते हैं, तो
एक बार भरने में ये 30-35 किलो अगर दिल्ली से यात्रा की जाए यहाँ तो 160-165 रुपये में दिल्ली से दो आदमी चलाए।